संकल्प लेके चाहे, एक बार अगर आप पीछे मुड़कर टूटेंगे ना, उस टूट में भूपेश बघेल और उनके पूरे मंत्रिमंडल बह जाएगी। अगर आसमान में थूकने वाले को शायद ये पता नहीं है कि पलट के थूक उन्हीं के चेहरे पर गिरे। करारा जवाब मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं मनीष। छत्तीसगढ़ में थूक वाली राजनीति ने एक भाजपा की बड़ी महिला नेता की खूब किरकिरी करा दी है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री और छत्तीसगढ़ की पार्टी मामलों की प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी ने गुरुवार को जगदलपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में कहा कि अगर भाजपा कार्यकर्ता थूकेंगे तो उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनका पूरा मंत्रिमंडल बह जाएगा। छत्तीसगढ़ मामलों की प्रभारी पुरेंदेश्वरी के बयान को लेकर राज्य का मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी और सत्ताधारी कांग्रेस अब आमने सामने है। हालांकि महिलाओं का सम्मान है, पर वर्तमान राजनीति ऐसी है कि यहां अपना सम्मान खोकर ही आप एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। इसलिए मुंह से गंदगी कर दो और रातों रात हिट हो जाओ। पर दुर्भाग्य है कि इस महिला नेता को अपने प्रचार का ये तरीका अपनाना पड़ा, जबकि भाजपा में डी पुरेंदेश्वरी खुद एक बड़ा चेहरा रही हैं। डी यानी दगुबत्ती पुरेंदेश्वरी आंध्र प्रदेश से भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वो 2009 में हुए आम सभा चुनाव में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम चुनाव क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुई। इससे पहले वो बापतला लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थी। पुरेंदेश्वरी 7 मार्च 2014 को कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। बीजेपी सरकार में राज्य मंत्री रह चुकी पुरेंदेश्वरी घरेलू हिंसा विधेयक, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन बिल जैसे मामलों में अपनी खूब पहचान बना चुकी हैं। इस महिला नेत्री को ACNH पत्रिका ने संसद में उनके प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें सन 2004-05 का सर्वश्रेष्ठ सांसद चुना था। लगातार नाम कमाने के बाद छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में अब इन्होंने अपनी एक अलग तरह से पहचान बना ली है, जिससे छत्तीसगढ़िया लोग खासे नाराज हैं। पहले ये बयान सुनी। संकल्प लेके चाहे, एक बार अगर आप पीछे मुड़कर टूटेंगे ना, उस टूट में भूपेश बघेल और उनके पूरे मंत्रिमंडल बह जाएगी। इस संकल्प के साथ आज से आपको काम करना पड़ेगा और फिर से आपके परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी 2023 में जरूर सत्ता में आएगी। बॉलीवुड के मनोज वाजपेयी की गिनती हिंदी फिल्म जगत के बेहतरीन अभिनेताओं में होती है। उनके अभिनय और डायलॉग डिलीवरी की लोग तारीफ करते नहीं थकते। वाजपेयी का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, आसमान में थूकने वालों को शायद ये पता नहीं कि पलट कर थूक उनके ही चेहरे पर गिरेगा, करारा जवाब मिलेगा। इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करारा जवाब तो नहीं दिया, पर हाँ, बराबर का जवाब जरूर दे दिया। इस्लामी किताबों में भी थूक को भी बड़े काम की चीज बताई गई है। थूक से कभी बरकत भी मिलती है तो कभी 3 बार बाई तरफ थूकने से शैतान भी भाग जाता है। किसी व्यक्ति के ऊपर थूकने पर तो हाथापाई की नौबत आ जाएगी। पर प्रदेश में थूक वाली राजनीति से थू थू जरूर हो गई। देश के जाने माने पत्रकार और उपन्यासकार विभांशु दिव्याल ने वर्ष 2019 में थूक पर जो लिखा, आज वो सार्थक प्रतीत होता है। दिव्याल जी ने लिखा है कि थूक मानवीय देहकी का वैसे ही उत्सर्जनीय तत्व है जैसे कि दो अन्य तत्व। मल मूत्र को आप अपने अंदर रख नहीं सकते, उत्सर्जन के उपरांत इन्हें अपने आसपास सह भी नहीं सकते। कमोवेश थूक के साथ भी यही स्थिति होती है, मगर कुछ कम तीव्रता के साथ थूक का क्रिया क्षेत्र थोड़ा व्यापक है। अन्य जो क्रियाएं आप आमतौर पर खुले में नहीं करते, वो थूक के साथ कहीं भी कर देते हैं। बिना इधर उधर देखे जहां भी गुंजाइश दिखे सट से पिच पिच कर देते हैं और बिना मुंह पोछे आगे बढ़ लेते हैं। कोने अंतरों गली दीवारों की बात छोड़िए, अगर किसी से नफरत हो, किसी पर गुस्सा हो, किसी से दुश्मनी हो, आप उसके कपड़ों पर ही नहीं उसके मुंह पर भी थूक देते हैं। वस्तुतः न थूक पाए तो मुहावरों में ही थूक देते हैं। कभी कभी आपके शब्द थूक बनकर निकलते हैं तो कभी आपका थूक शब्द बनकर, और कभी कभी तो यह समझने में भी दिक्कत हो जाती है कि आपने कुछ बोला है या कुछ थूका है, जैसा कि भाजपा नेता ने जगदलपुर में किया। अगर व्यक्ति चुनावी राजनेता हो तो थूके और बोले में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। समझने की कोशिश करने वाले की समझ को पसीना आ जाता है। मुश्किल थोड़ी और बढ़ जाती है जब मामला चाटने तक आ पहुंचता है।
पहले कभी आम दंड विधान था कि दोष सिद्धि अपराधी से थूकवाया जाए, फिर उससे अपना ही थूक चटवाया जाए। अपना थूक चाटने वाला शर्म और अपमान से भर जाता था, आधा मर जाता था। चाहता था कि उसका सर कलम कर दिया जाए, मगर उसका थूका हुआ उससे न चटवाया जाए। लेकिन जब से थूक और चाटने का रिश्ता चुनावी राजनीति का हिस्सा बना है, तब से इससे जुड़ी शर्म लगातार कम हो रही हैं। कुछ हलकों में तो पूरी तरह शर्म मुक्त होकर एक चुनावी कला का रूप ले रही हैं। जैसे जैसे चुनावी बुखार चढ़ता जाता है, थूकने चाटने की कला का रंग निखरता जाता है। कल जो भर भर कर नफरत थूक रहा था, आज भर भर कर प्यार चाट रहा है। थूक थूक कर उसने जो खाई पैदा की थी, आज चाट चाट कर पाट रहा है। अब ये सब पुरानी बातें हैं। आपने जिस पर एक बार थूक दिया सो थूक दिया, न थूका हुआ चाटेंगे न खाई पाटेंगे। पहले लोग राजनीति में भी सोच समझकर थूकते थे, थूकने का सिद्धांत समझाकर और यह बताकर थूकते थे कि क्यों थूक रहे हैं। तो धर्म को ओढ़कर चलता है और हम धर्म निरपेक्ष हैं, इसलिए तुझ पर थूक रहे हैं। तू बंटवारे की राजनीति कर रहा है, जाति की राजनीति कर रहा है, गुंडई की राजनीति कर रहा है, सिद्धांत विहीन राजनीति कर रहा है, इसलिए हमारा धर्म है, राजनीतिक धर्म है कि तुझ पर थूकें, सो थूक रहे हैं। तू पैसे की राजनीति करता है, चुनाव के लिए काला धन जुटाता है, वोटरों को शराब पिलाता है, उनके पास पैसे भिजवाता है, इसलिए तुझ पर थूक रहे हैं। थूक रहे हैं कि हमारे थूके से तुझे अक्ल आ जाए और तू सुधर जाए, मगर अब परिदृश्य बदल सा गया है। अब कोई भी कहीं भी किसी के ऊपर थूक देता है, उसे यह बताने की जरूरत नहीं होती कि क्यों थूक रहा है। उल्टा थूकना ही जरूरत बन गया है, बस थूकने का बहाना मिलना चाहिए। चाहे किसी मंच पर, किसी रैली में, किसी टेलीविजन या बहस में, ना कोई तर्क ना कोई संगति, बस थूक निकलना चाहिए और विपक्षी पर पड़ना चाहिए। उधर विपक्षी भी कम थूक पारंगत नहीं होता, वह भी उतने ही आक्रोश में, उतने ही जोश में और उतना ही बेलौस थूकता है। यह थुक्कम थूक एक दर्शनीय और ताली बजाओ दृश्य की संरचना करती है, क्योंकि हर थूकने वाले थुक्के के पास अपनी एक पार्टी होती है, अपने चमचे चाटुकार होते हैं और अपने अपने चुनावी मतदाता भी होते हैं। जब ये तालियां बजाते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं, तो थुक्के और जोर शोर से थूकने लगते हैं। फिर इन्हें इसकी चिंता नहीं होती कि थूक कहां पर गिर रहा है, पराये पर गिर रहा है या अपने पर। चुनावी राजनीति में जो थूकनी है वह चाटनी भी है। जो बेशर्मी थूकने में घटित होती है, वह बेशर्मी चाटने में और अधिक प्रस्फुटित होती है। सत्ता कांक्षा इनसे थुकवा रही है, तो थुकवा के चटवा भी रही है। न कोई नैतिकता आड़े आती है, न कोई सैद्धांतिकता और न ही वैचारिकता। थूकना और थूक कर चाटना अब एक स्वतंत्र प्रक्रिया है, जो निर्बाध जारी है और निरंतर तेज हो रही है। हाँ, इन थूकों के पास एक तर्क अवश्य होता है कि वे थूक रहे हैं तो सिर्फ लोकतंत्र को बचाने के लिए थूक रहे हैं, और थूक कर चाट रहे हैं तो सिर्फ लोकतंत्र को बचाने के लिए चाट रहे हैं। थूका हुआ स्वयं उनके ऊपर गिर रहा है, तो वे कहते हैं कि लोकतंत्र बच रहा है। उधर लोकतंत्र के छाती पर इतना थूक जम गया है कि इसे साफ करने में पीढ़ियां खप जाएंगी। शुक्रिया।